हाय, दिस इज सुरभि एंड यू आर वाचिंग बुगल बॉलीवुड। आज मैं फिर आ गई हूँ बॉलीवुड के एक न्यू अपडेट लेकर, और आज मैं जिनकी बात करने जा रही हूँ उन्होंने हम सब के दिन में एक अलग ही छाप छोड़ी हुई है। फिर वो चाहे उनकी वेलकम हो, हेरा फेरी हो या फिर भागम भाग जैसी और दूसरी मूवीज हो, मैं बात कर रही हूँ परेश रावल की, जिन्होंने बॉलीवुड को शुरू से लेकर आज तक कई बड़ी मूवीज दी है। फिर वो चाहे कॉमेडी ड्रामा हो, थ्रिलर हो या हॉरर हो, सब जोनर में इन्होंने बखूबी नाम कमाया। और ये तो आप सबको पता ही है कि परेश रावल एक बार फिर लेकर आ रहे हैं ड्रामा जोनर की मूवी, जिसका नाम है निकिता रॉय एंड अ बुक ऑफ डार्कनेस। और इसकी कर दी है परेश रावल ने शूटिंग स्टार्ट, और इस मूवी की शूटिंग कर रहे हैं परेश काफी ज्यादा एंजॉय। और ये तो हम इस मूवी के प्रोड्यूसर निक्की भगनानी की पोस्ट से साफ नजर आ रहे हैं, जिसमें निक्की ने साथ में ये भी लिखा है, विद माय चाइल्डहुड फेवरेट परेश अंकल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माय फर्स्ट मूवी, व्हाट अ मेमोरेबल टाइम वी स्पेंड विद यू, लव यू ऑलवेज। वैसे ये मूवी होने वाली है निक्की भगनानी की डेब्यू मूवी एज अ प्रोड्यूसर। अगर बात की जाए इस मूवी की कास्टिंग की, तो परेश रावल के साथ नजर आने वाली है सोनाक्षी सिन्हा और सोहेल नय्यर। अगर बात की जाए इस मूवी के डायरेक्शन की, तो इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं लव सिन्हा, जो कि है सोनाक्षी सिन्हा के भाई, और उनके भी होने वाली है डेब्यू मूवी एज अ डायरेक्टर। इस मूवी की रिलीजिंग डेट अभी रिवील नहीं हुई है। ये मूवी कितना कमाती है दर्शकों से प्यार, ये तो रिलीज होने के बाद ही पता लगेगा। ऐसी बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए गूगल बॉलीवुड।